अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार की रात नोएडा में एक बहुमंजिला आवासीय सह वाणिज्यिक इमारत में आग लग गई। उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले भंगेल इलाके में रात करीब 10 बजे आग लगी। इस आग में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ, जिसके बाद मौके पर दमकल कर्मियों और स्थानीय पुलिस को तत्काल तैनात किया गया। अधिकारियों ने कहा कि आग चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिलों में फैलने से पहले भूतल पर एक एटीएम कियोस्क से शुरू होने का संदेह है, जिसमें ऊपरी हिस्से में कुछ फ्लैट और निचले हिस्से में दुकानें हैं। अग्निशमन सेवा के अधिकारी पानी निविदाओं के साथ मौके पर पहुंचे। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। इमारत का एक बड़ा हिस्सा विनाश से बचा लिया गया, क्योंकि आग इमारत के बाहरी हिस्से में थी। अग्निशमन अधिकारी ने कहा, इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है और दमकल कर्मियों ने इसे आसपास की इमारतों में भी फैलने से रोक दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल के अंत तक गौतम बुद्ध नगर में आग लगने की 600 से अधिक घटनाएं हुई हैं, जिसमें अग्निशमन विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 100 से अधिक जागरूकता अभियान चलाए हैं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।